हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे एक आज बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल जो निर्भया के दोषियों को भी सजा मिली हुई है, फांसी हुई है, उसी से संबंधित है, उसी पर आधारित। आपको याद रहना चाहिए कि 16 दिसंबर 2012 को निर्भया के साथ ये दरिंदगी की गई थी, दरिंदगी, और तब से 2012 से लेकर अभी उन्हें इंसाफ मिला है, निर्भया को अभी इंसाफ मिला हुआ है। तो इसमें इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों चलती है, क्या इसमें कमियां हैं, इसी से संबंधित आपका ये एडिटोरियल है। तो इसमें बात करेंगे हम लोग किस संदर्भ में है, न्याय प्रणाली की समस्याएं देखेंगे, समस्याओं के कारण देखेंगे, सुधार की आवश्यकता क्यों है इसमें आके उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, संभावित उप सुधार के उपाय क्या हैं उन्हें भी देखेंगे, ठीक है। और अपना व्यू भी आप लोग दीजिए, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर भी आप लोग कुछ शब्द लिखिए। प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी कृति ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में यह माना है कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का इत्थम एवं प्रधान सदोड़ है, अर्थात सभी सामाजिक संस्थाएं न्याय के आधार पर ही अपनी उचित पूर्णता को सिद्ध कर सकती हैं। भारत में भी न्यायिक व्यवस्थाओं का अपना अलग महत्व है। यदि भारतीय न्यायिक व्यवस्था का छिद्रांश अन्वेषण करें तो हम पाते हैं कि न्यायाधीशों की कमी, न्याय व्यवस्था की खामियां, लचर बुनियादी ढांचे जैसे कई कारणों से न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर न्यायाधीशों व न्यायिक कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। न्याय में देरी अन्याय कहलाती है, लेकिन देश की न्यायिक व्यवस्था को यह विडंबना तेजी से घेरती जा रही है कि देश के न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को आंकड़ा लगभग 3.5 करोड़ पहुंच गया है। इनका प्रत्यक्ष उदाहरण निर्भया केस है। वर्ष 2012 में निर्भया के साथ जो जघन्य अपराध के विचारण में 7 वर्ष से अधिक समय लगा, जो न्यायिक व्यवस्था की लचर कार्य प्रणाली को उजागर करता है। अब बात करते हैं इसमें आखिर क्या समस्याएं हैं, न्यायिक प्रणाली में आपकी समस्याएं क्या हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी न्यायिक प्रणालियों में से एक है। भारतीय न्यायिक प्रणाली सामान्य प्रणाली के साथ नियामक कानून और वैधानिक कानून का पालन करती है। भारतीय न्यायिक प्रणाली की निम्नलिखित समस्याएं हैं, न्यायालय में लंबित मामले। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उच्चतम न्यायालय में 58,700 तथा उच्च न्यायालयों में करीब 44 लाख और जिला एवं सत्र न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मुकदमे लंबित हैं। इन कुल लंबित मामलों में 80% से अधिक मामले जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इसका मुख्य कारण भारत में न्यायालयों की कमी, न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों का कम होना, पदों की रिक्तता का होना। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर देश में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 18 न्यायाधीश हैं, मतलब 10 लाख लोगों की सुनवाई करने के लिए कितने हैं, 18 न्यायाधीश, 10 लाख पर 18। विधि आयोग की एक रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर न्यायाधीशों की संख्या तकरीबन 50 होनी चाहिए। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए पदों की संख्या बढ़ाकर 3 गुना करनी होगी आपको। पारदर्शिता का अभाव। भारत में न्यायिक व्यवस्था से जुड़ी एक मुख्य समस्या पारदर्शिता का अभाव है। न्यायालयों में नियुक्ति स्थानांतरण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे। वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और एवं उनका स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली में उच्चतम न्यायालय से संबंधित निर्णय के लिए दो के लिए मुख्य न्यायाधीश है 5 वरिष्ठ प्रथम न्यायाधीश होते हैं, वहीं उच्च न्यायालय के संबंध में इनकी संख्या 3 होती है। इस प्रणाली की क्रियाविधि जटिल और अपारदर्शी होने के कारण सामान्य नागरिक की समझ से परे होती है। ऐसी स्थिति में इस प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए संसद द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से असफल प्रयास किया जा चुका है। भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है जिसमें जानने का अधिकार भी है शामिल है।
इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी ऐसी प्रणाली जो अपारदर्शी हो उसको नागरिकों के अधिकारों की पूर्ति के लिए पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। न्यायालयों में भ्रष्टाचार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेहिता एक आवश्यक पक्ष होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सभी सार्वजनिक पदों पर स्थिति व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाता है। भारत में भी विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में कई कानूनों एवं चुनावी प्रक्रिया द्वारा उत्तरदायित्व सुनिश्चित किए गए, लेकिन न्यायपालिका के संदर्भ में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का एकमात्र उपाय सिर्फ महाभियोग है। ज्ञात हो कि अभी तक किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग की कार्यवाही नहीं की गई है। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एक न्यायाधीश को जांच में कदाचार का दोषी पाए जाने के बाद उसे पद से हटाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने संबंधी मामला चर्चा में रहा। न्यायालय के संबंध में ऐसी कोई माध्यमिक व्यवस्था नहीं है जिससे न्यायालय स्वयं ही न्यायाधीशों से जुड़े कदाचार के मामले में उचित कार्रवाई कर सके। विचाराधीन कैदियों की समस्या। भारत के सभी न्यायालयों में लगभग 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। मामलों का लंबित होना पीड़ितों और ऐसे लोगों जो किसी मामले के चलते जेल में कैद हैं किंतु उनको दोषी करार नहीं दिया गया, दोनों के दृष्टिकोण से अन्याय को जन्म देता है। पीड़ितों के मामले में कुछ ऐसे संदर्भ भी हैं जब आरोपी को दोषी ठहराया जाने में 30 वर्ष तक का समय लगा, हालांकि तब तक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। तो वह दूसरी ओर भारत की जेलों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी विचाराधीन कैदी बंद हैं जिनके मामले में अब तक निर्णय नहीं दिया जा सका। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब कैदी अपने आरोपों के दंड से अधिक समय में कैद बिता देते हैं, साथ ही इतने वर्ष जेल में रहने के पश्चात उसे न्यायालय से आरोप मुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति न्याय की दृष्टि से अन्याय को जन्म देती है। इस स्थिति में त्वरित सुधार किए जाने की आवश्यकता होती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले केस सुना होगा कि किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसे निर्दय जब उसका निर्णय आया उस केस का तब तो वो मर चुकी थी महिला, इतना टाइम लग गया था उसमें। और फिर दूसरा केस अभी सुना होगा कि कोई आरोपी था उस पर केस चलते चलते 25-30 साल बीत गए, उसके बाद उसका निर्णय आया उस केस का, उसमें उससे बोला गया कि तुम निर्दोष हो, मतलब कोई भी तुम्हारी गलती नहीं है। सोचिए कि दोनों पर क्या बीती होगी, एक जो ऊपर पहुंच चुकी है मर चुकी है लेकिन उसे उसके जीते जी फैसला नहीं हो सका या उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका, उसे न्याय नहीं मिल सका। और दूसरे को देखिए कि जो 25 साल अपनी जिंदगी के खत्म करने के बाद बाहर आता है तो क्या बीतती हुई उन पर। समस्याओं के कारण क्या है आखिर? देश भर के न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना का अभाव है, न्यायालय परीक्षाओं में मूलभूत सुविधाओं की कमी, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में किसी बात के सुलझाने की कोई नियत अवधि तय नहीं की गई है जबकि अमेरिका में यह 3 वर्ष निर्धारित है। केंद्र एवं राज्य सरकारों के मामले न्यायालयों में सबसे ज्यादा है, यह आंकड़े 70% के लगभग हैं। सामान्य और गंभीर मामलों की भी सीमाएं तय होनी चाहिए। न्यायालयों में लंबे अवकाश की प्रथा है जो मामलों के लंबित होने का एक प्रमुख कारण है। न्यायिक मामलों के संदर्भ में अधिवक्ताओं द्वारा किए जाने वाले विलंब एक चिंतनीय विषय है जिसके कारण मामले लंबे समय तक अटके रहते हैं। न्यायिक व्यवस्था में तकनीकी का अभाव, न्यायालयों तथा संबंधित विचारों में संचार की कमी व समन्वय का अभाव जिससे मामलों में अनावश्यक विलंब होता है। निर्भया के दोषियों से हमें लोगों को एक सीख तो मिलेगी न्यायपालिका को, इसमें कुछ सुधार तो होना चाहिए कि बताइए 7 साल लग गए हैं जब क्लियर था कि ये दोषी हैं, फिर 7 साल का इतना टाइम लंबा होता है, तो इसके लिए कुछ तो सुधार होना चाहिए। सुधार की आवश्यकता क्यों है आपके? उच्च व निचली अदालतों में भी नियुक्ति में देरी होने के कारण न्यायिक अधिकारियों की कमी हो गई है जो बहुत ही चिंताजनक है। इसी कारण मामलों के लंबित रहने का अनुपात बढ़ता जा रहा है, यह पूरे भारतीय न्यायिक तंत्र को जकड़ चुका है।
छोटे कार्यालय और कार्य के भारी दबाव के कारण उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कानून को उत्कृष्ट बनाने और आवश्यक परिपक्वता अर्जित करने का अवसर ही नहीं मिल पाता। न्याय अभी भी देश के बहुसंख्यक नागरिकों की पहुंच के बाहर है, क्योंकि वे वकीलों के भारी खर्च वहन नहीं कर पाते। उन्हें व्यवस्था की प्रक्रियात्मक जटिलता से होकर गुजरना पड़ता है। न्यायाधीशों को मनोनीत करने के लिए न तो कोई मानदंड निर्धारित किए गए और न ही नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किए गए नामों का किसी मापदंड पर रीतिबद्ध मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रयास कहा जा सकता है कि न्यायिक तंत्र में भाई भतीजावाद की प्रवृत्ति बढ़ गई है, जिसके चलते यह अपोषणताओं से गुजर रहा है। संभावित उपाय सुधार के उपाय क्या हैं? वर्तमान में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 18 न्यायाधीश हैं। ऐसे में किसी भी न्यायपालिका से समय पर न्याय देने की उम्मीद करना उचित नहीं हो सकता। विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार इन पदों की संख्या में वृद्धि किया जाना चाहिए। विशेष श्रेणी के मामलों के समाधान के लिए समय सीमा तय की जानी चाहिए तथा लोक अदालतों और ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इससे न केवल विचाराधीन मामलों की संख्या में अनुपातिक कमी आएगी, बल्कि न्यायपालिका के मूल्यवान समय की बचत होगी। अधीनस्थ न्यायालयों के स्तर पर सर्वोच्च उपलब्ध प्रतिमा को आकर्षित करने के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया जा सकता है या जजों की योग्यता व गुणवत्ता में सुधार करेगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के कुशलतापूर्वक उपयोग से न्यायिक डेटा बेस बनाया जा सकता है। इसके द्वारा जजों के अलग अलग प्रदर्शनों का आकलन किया जा सकेगा तथा एक संस्था के रूप में न्यायिक समग्र प्रदर्शन की का आकलन भी किया जा सकेगा। अधिवक्ता अधिनियम 1961 में आवश्यक संशोधन करके अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता के अनुपालन को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि मामलों को जानबूझकर विलंबित ना किया जा सके। विधिक परिषद की होने वाली अनावश्यक हड़तालों पर भी प्रतिबंध आरोपित करना चाहिए। न्यायालय में दायर अधिकांश मुकदमों में सरकार एक पक्षकार है। न्यायालय सरकार को समझौते के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ताकि लंबित वादों की संख्या में कमी लाई जा सके। उपयुक्त सभी बातों को देखते हुए स्पष्ट है कि भारतीय न्यायतंत्र में विभिन्न स्तरों पर सुधार की दरकार है। यह सुधार न सिर्फ न्यायपालिका के बाहर से बल्कि न्यायपालिका के भीतर भी होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के नवाचार को लागू करने में न्यायपालिका की स्वायत्तता बाधा न बन सके। न्यायिक व्यवस्था में न्याय देने में विलंब न्याय के सिद्धांत से विमुखता अर्थात न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए सब। ठीक है, तो ये था आपका न्याय की लंबी जो प्रक्रिया चलती है उसी से संबंधित आपका प्रमुख आर्टिकल।